हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे नूज़ल, वो भी घर पर बहुत ही आसानी से। तो ये देखिए, मैंने ले लिया है एक पेपर कप। आप इसकी जगह पर और बहुत सी चीज़ों से बना सकते हो, जैसे कि हमारे पास टूथपेस्ट होता है, वो अगर खाली हो जाता है तो उसको अच्छे से क्लीन कर और इसी शेप में कट कर आप आराम से बना सकते हैं। और हमारे पास जैसे जूस के पैकेट होते हैं और कोई टेट्रा पैक होते हैं, अमूल का जो पैकेट होता है, आप उसमें से भी बना सकते हो, काफ़ी अच्छा बनता है उससे। तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उससे बनाइए, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन आती है घर के बने नोज़ल से भी। आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैंने घर के बने नोज़ल से ही अच्छे से डेकोरेशन करा है, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आई है। तो ये देखिए, इसको हम दो पार्ट में कट कर लेंगे। तो ये हमारा एक कप है, इससे हम दो नोज़ल रेडी करेंगे। तो आप कोई सी भी डिज़ाइन कर सकते हो, ये देखिए आप वाइट पार्ट या प्रिंटेड जो भी। तो ये मैं आपको एक नोज़ल बता रही हूँ आप किस तरीके से, अगर आप जैसे डायरेक्ट कटिंग नहीं होती आपसे तो आप इस तरीके से पेन से या मार्कर से डिज़ाइन बनाकर इस तरीके से आप जो भी आप नोज़ल बना रहे हो उसको पहले डिज़ाइन कर लो, फिर उसके बाद कटिंग करोगे तो आपकी कटिंग काफ़ी अच्छी होगी अगर आप डायरेक्ट कटिंग नहीं कर पा रहे हो। चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। तो ये इस तरीके से हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे, हमें बहुत अच्छे से फोल्ड करना है ताकि हमारा ये खुल ना जाए। हम अच्छे से इस पे टेप लगाएंगे, टेप हमें बहुत अच्छे से लगाना है ताकि हमारा ये देखिए खुले ना। अभी हम नीचे ज़्यादा टेप नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें नीचे से कटिंग करनी है और ऊपर से भी, तो हम बीच में टेप लगाकर पहले हम ये ऊपर से देखो इसको हम शेप दे देंगे अच्छे से कटिंग करके। और जो हमारा ये जॉइंट है उसको भी बहुत अच्छे से हमें टेप से कवर करना है, वरना अगर हम इसमें क्रीम फिल करेंगे तो वो उसके बीच में जाके फंस सकती है। तो इसको हम टेप से बहुत अच्छे से इसको ये देखिए इस तरीके से हम कवर कर देंगे। तो टेप से पूरे नोज़ल को कवर करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये जब हम पाइपिंग करें या इसमें क्रीम वगैरह फिल करें तो खुले ना। ये देखिए रेडी है। नीचे अभी हम ज़्यादा टेप नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें नीचे कटिंग करनी है। तो अभी हम जब हमारा डिज़ाइन बन जाएगा तो उसके बाद भी अगर आपको लगता है कहीं से खुल रहा है तो आप अच्छे से टेप लगा देना। तो ये देखिए मैं ऊपर, अब मैंने ऊपर कटिंग हो गई है मेरी, तो मैं ऊपर से ऐसे टेप अच्छे से लगा दूंगी। तो आपको टेप बहुत अच्छे से लगाना है। ये देखिए हमारा रेडी हो गया है। अब इसी तरीके से मैं सारे कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने सारे बना लिए, रेडी कर लिए, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी डिज़ाइन बनी है। आप भी इसी तरीके से कटिंग कर लेना। अब चलिए एक एक करके बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये होल नोज़ल है, ये हम जैसे छोटा होल करते हैं तो अगर आपको कुछ लिखना है केक पर तो उसके लिए छोटा कीजिए। अगर कोई डिज़ाइन बनानी है आपको होल वाले नोज़ल से तो आप इसका होल थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। आपको जैसी डिज़ाइन बनानी है आप उसके अकॉर्डिंग नोज़ल पर होल कीजिए। ये देखिए अच्छे से हमने कटिंग कर दी है। देखिए जैसे बिल्कुल लगता है ना, बिल्कुल मार्केट जैसे ही लग रहा है, डिज़ाइन काफ़ी अच्छी बनती है इससे। अब हम दूसरा नोज़ल बनाते हैं, ये है रोज़ नोज़ल। ये देखिए देख सकते हो इसके पेटल्स खुले हुए। रोज़ नोज़ल काफ़ी तरह के होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। तो अभी हम दो नोज़ल बनाएंगे, उससे काफ़ी सारे डिज़ाइन बन जाती है। आप इससे बॉर्डर बनाओगे तो काफ़ी अच्छा बॉर्डर बनता है। ये जो खुला इसके जो पेटल्स जो खुले होते हैं ना, उससे काफ़ी अच्छे नोज़ल से काफ़ी अच्छी डिज़ाइन बनती है। तो देखिए इस तरीके से कटिंग कर लेंगे हम अच्छे से। जब भी हम कटिंग करें तो हमारा जो ये हमारी जो सीज़र है वो बहुत ही मतलब शार्प होनी चाहिए, बिल्कुल तेज़ उसकी ना धार बिल्कुल तेज़ होनी चाहिए, तभी अच्छे से फिनिशिंग आएगी कटिंग में। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिए। ये देखिए इस तरीके से सारा हम कटिंग कर लेंगे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप, मैंने बताया ही था, मार्कर से निशान लगा कर भी आप कटिंग कर सकते हो। ये देखिए बन गया हमारा नोज़ल, रेडी हो गया। ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा बना है। अब हम बनाएंगे दूसरा रोज़ नोज़ल। इसके पेटल्स जो होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं, तो जो हम रोज़ बनाते हैं वो इसी से बनता है। ये देखिए पहले हम होल कर देंगे, अब इसके बाद इसको हम कट करेंगे, डिज़ाइन में अच्छे से कट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमें कटिंग करनी है। जितनी फिनिशिंग होगी हम जब क्रीम से डिज़ाइन बनाएंगे
तो फिनिशिंग उतनी अच्छी आएगी, नोज़ल हमारा जितना फिनिशिंग से बना होगा। ये देखिए, अब जो पेटल्स हैं उसको हम अंदर की तरफ करेंगे। तो ये जो रोज़ नोज़ल होता है, इसके पेटल्स अंदर की तरफ होते हैं। इसकी डिज़ाइन काफ़ी अच्छी बनती है, ये काफ़ी डिज़ाइन में यूज़ होता है। तो मैं आगे केक बनाऊंगी तो उसमें मैं सारे होममेड नोज़ल हैं उससे मैं आपको डिज़ाइन करके दिखाऊंगी। तो अब हम बनाएंगे ये लीफ नोज़ल। ये देखिए, ये भी बनाना बहुत ही आसान होता है। अब हम देखिए, इसको अच्छे से पहले होल कर देंगे और हमें साइड से, ये देखिए साइड से कट करेंगे, दो कट करेंगे साइड से हम इस तरीके से। साइड से कट करने के बाद अब हम इसे बीच में से हमें छोटा सा कट करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं। ज़्यादा बड़ा कट करेंगे तो जब हम नोज़ल से लीफ बनाएंगे तो क्लियर नहीं दिखेगी। तो ये देखिए इस तरीके से, बिल्कुल देखिए मार्केट जैसा लग रहा है ना बिल्कुल। अब हम बनाएंगे बास्केट नोज़ल। ये नोज़ल बनाना भी बहुत ही आसान है। तो ये देखिए, अब इसको हम बीच में से पहले कट कर देंगे। ये देखिए कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि सिर्फ एक ही साइड हमें डिज़ाइन बनानी है, दूसरी तरफ हमारा प्लेन रहेगा। सिर्फ चिकचक करते हुए हमें एक तरफ ही कटिंग करनी है, दोनों तरफ कटिंग नहीं करनी। तो आप देख सकते हैं मैं कैसे बना रही हूँ, आपको बिल्कुल आराम से मतलब कटिंग करनी है। ये देखिए बिल्कुल लग रहा है ना मार्केट जैसा बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल। अब ये हमारा रोज़ नोज़ल, जो कि इससे हम रोज़ फ्लावर बनाते हैं, ये तो बनाना बहुत ही ईजी है। बस इसको हमें थोड़ी सी टेढ़ी सी कटिंग करनी है। ये देखिए देखिए बन गया कितना अच्छा नोज़ल। तो ये देखिए नोज़ल सारे रेडी हो चुके हैं। तो आप भी इसको सारे नोज़ल को बनाइए, बहुत ही आसान होता है बनाना। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी क्योरी है आपकी कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें, तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पर। तो ये देखिए कितना अच्छा नोज़ल रेडी हो गया, बिल्कुल मार्केट जैसा लग रहा है। इससे डिज़ाइन काफ़ी अच्छी बनती है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए